जय हिंद। हेलो दोस्तों, हम लोग समृद्ध संख्या पढ़ रहे हैं। समृद्ध संख्या में हमने पिछली वीडियो में समृद्ध संख्या से संबंधित बीजगणित की बात की थी, जिसमें हमने समृद्ध संख्याओं के बीजगणित में समृद्ध संख्याओं का जोड़ और समृद्ध संख्याओं का अंतर देखा था। समृद्ध संख्याओं का बीजगणित देखिए, समृद्ध संख्याओं का बीजगणित। तो समृद्ध संख्याओं के बीजगणित में हम लोगों ने पहला पॉइंट हम लोगों ने समृद्ध संख्याओं का क्या देखा था, जोड़, और हमने दूसरे पॉइंट में देखा था समृद्ध संख्याओं का क्या, घटाना, जिसे हम लोग क्या अंतर कह रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक, जिसमें हम समृद्ध संख्याओं का गुणा और समृद्ध संख्याओं का क्या सीखने वाले हैं, भाग सीखने वाले हैं। समृद्ध संख्याओं का क्या सीखने वाले हैं, गुणा, और अगले पॉइंट में हम सीखेंगे समृद्ध संख्याओं का क्या, भाग। ठीक है, देखिए समृद्ध संख्या के ओवरव्यू में अगर हम देखें तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ाई करी थी समृद्ध संख्या के बारे में, तो हमने देखा था कि समृद्ध संख्या जो होती है उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो समृद्ध संख्या है वह दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक होता है काल्पनिक भाग और एक क्या होता है, वास्तविक भाग, मतलब जेड बराबर यक्स प्लस आई वाई, जिसमें यक्स जो है वो हमारा रियल पार्ट है और जो वाई है वो हमारा कैसा है, इमेजिनरी है। और हमने यह भी देखा था कि आई बराबर रूट ओवर माइनस वन होता है। ठीक है, और भी बातें हमने करी थी जिसमें आई की घात के बारे में बातें की थी कि आई पावर फोर का मतलब एक होता है। आई पावर फोर का मतलब कितना होता है, एक। जब भी हमें बड़ी घातें मिलेंगी तो हम उसे फोर से डिवाइड करते हुए ला करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये तो थी कुछ पुरानी बातें। आज की बातें जो होंगी वो क्या होंगी, समृद्ध संख्याओं के गुणा से संबंधित होंगी और समृद्ध संख्याओं के क्या, भाग से संबंधित होंगी। देखिए शुरू करते हैं समृद्ध संख्याओं का गुणा और समृद्ध संख्याओं का भाग। ठीक है, देखिए समृद्ध संख्याओं के गुणा की बात करें, किसकी बात करें, गुणा। तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो समृद्ध संख्याएं हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो समृद्ध संख्याएं कौन कौन है, एक जेड वन है और दूसरी कौन है, जेड टू है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, अब दो संख्याएं जो समृद्ध संख्याएं हो, दोनों को जेड और जेड तो माना नहीं जा सकता, इस वजह से हमने पहले वाले को जेड वन और दूसरे वाले को क्या मान रखा है, जेड टू मान रखा है। तो यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस आई वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स वन प्लस आई वाई वन, यहाँ हो जाएगा यक्स टू प्लस आई वाई टू। ठीक है, हम समृद्ध संख्याओं का गुणा सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जैसे हमने आपको जोड़ पढ़ाया था वैसे ही आपको क्या करना है, गुणा भी करना है। आप चाहें तो ऐसे ही गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर ऐसे ही गुणा करेंगे तो जेड वन का गुणा जेड टू में होगा, तो ये हो जाएगा जेड वन इंटू जेड टू बराबर। ठीक है, आपको गुणा करने तो आता ही होगा, तो गुणा करने में हम लोग यक्स टू का गुणा किससे करेंगे, यक्स वन से करेंगे, तो ये हो जाएगा यक्स वन इंटू यक्स टू। फिर यक्स टू का गुणा वाई वन से करेंगे, तो ये हो जाएगा आई यक्स टू वाई वन। ठीक है, आगे देखिए, आई वाई टू का गुणा यक्स वन से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई यक्स वन वाई टू। इसका गुणा इससे करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर वाई वन और कौन, वाई टू। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जेड वन जेड टू बराबर यक्स वन और कौन, यक्स वन यक्स टू प्लस, इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई क्या कर लें, कॉमन कर लें, आई कॉमन कर लें, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा यक्स वन वाई टू प्लस यक्स टू वाई वन। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्या, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस एक। देखिए आई का मान क्या है हमारे पास, रूट ओवर माइनस वन है, तो अगर हम लोग आई स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आई इंटू आई करना पड़ेगा। आई इंटू आई का मतलब क्या, माइनस रूट में एक और गुड़े माइनस रूट में कितना, एक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों में से जब हमारा रूट से गुड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब रूट का रूट में गुणा होगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस एक। कितना हो जाएगा, माइनस एक, क्योंकि अब बाहर तो माइनस एक ही निकलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई वन इंटू कौन, वाई टू। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे क्या, जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन और इंटू बराबर यक्स वन इंटू यक्स टू माइनस वाई वन इंटू वाई टू प्लस आई ब्रैकेट में यक्स वन वाई टू प्लस यक्स टू वाई वन। ठीक है, ये रहा क्या हमारा समृद्ध संख्याओं का गुणा। ठीक है, अब समृद्ध संख्याओं के गुणा में देखिए आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे किन्हीं भी दो समृद्ध संख्याओं का गुणा इस प्रकार संभव होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू, तो आपका आंसर क्या होगा, यक्स वन यक्स टू माइनस वाई वन वाई टू। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के दूसरे तरीके में आप लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू माइनस
इमेजिनरी पार्ट ऑफ कौन, जेड वन जेड टू, ठीक है। ये देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू मतलब पहले तो वास्तविक संख्याओं का क्या, वास्तविक संख्याओं का गुणनफल, फिर क्या काल्पनिक संख्याओं का गुणनफल का क्या अंतर, ठीक है। दूसरी बात आप और आगे क्या लिख सकते हैं, ये दूसरे वाले पार्ट के लिए, दूसरे वाले पार्ट के क्या लिख सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट आप कौन, जेड वन इंटू जेड टू, तो इमेजिनरी पार्ट में कौन कौन आएगा, इमेजिनरी पार्ट में आएगा रियल पार्ट ऑफ जेड वन, जब रियल पार्ट ऑफ जेड वन रहेगा, जब रियल पार्ट ऑफ जेड वन रहेगा तो क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू प्लस, देख रहे हैं प्लस है ना, फिर क्या हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ कौन, जेड टू इंटू क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कौन, जेड वन, ठीक है। ये रहा आपका क्या इमेजिनरी पार्ट, यदि आपसे पूछा जाएगा तो की स्थिति के लिए हम लोग ये लगाएंगे, ठीक है। ये रहा क्या जेड वन और जेड टू के लिए। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण पर चर्चा करें तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण ले लिया एग्जाम्पल में, ठीक है, माना हमारे पास जो समरी संख्याएं हैं उस समरी संख्या में 2 प्लस 3 आई है और जो दूसरी समरी संख्या है, ठीक है, ये जेड वन है, दूसरी जेड टू मान लेते हैं 3 माइनस 2 आई, ठीक है। ये हमारे पास दो समरी संख्याएं हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए जेड वन इंटू जेड टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। तो समरी संख्याओं का गुणा तो हम तो सीख ही चुके हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली कर सकें या आप चाहे तो गुणा के प्रोसेस को फॉलो करते हुए गुणा करें। कैसे, जेड वन और जेड टू ज्ञात करना है तो जेड वन इंटू जेड टू बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 आई इंटू 3 माइनस 2 आई, ठीक है। आप गुणा करें, आप क्या करें गुणा करें, या डायरेक्टली लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 3 6। देखिए एक्स वन और इंटू एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू हो गया, फिर क्या करना है माइनस क्या हो जाएगा माइनस वाई वन 3 2 6, ठीक है, ये भी कितना हुआ 6। फिर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ये हो गया हमारा प्लस आई, क्या हो जाएगा प्लस आई ब्रैकेट में एक्स वन इंटू वाई टू, मतलब 2 का गुणा किससे करना है, इस 2 से। देखिए एक्स वन का गुणा वाई टू से, तो एक्स वन का गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। फिर क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा, ये 3 का गुणा किसमें होगा 3 में, 3 3 कितना 9, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला जुला क्या हो जाएगा 6 में से 6 कट जाएगा तो 0 प्लस 9 4 कितना 13 आई, ठीक है। ये तो हमारा रहा क्या डायरेक्ट तरीका। अब हम क्या करेंगे इसे गुणा करके भी देखेंगे, गुणा करके भी क्या करेंगे देखेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं, तो गुणा करके देखेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2 2 कितना 4 आई, ठीक है, 2 2 कितना 4 आई। फिर 3 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3 3 9 आई, प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9 आई। आगे देखिए, आगे हम लोग फिर कितने से करेंगे, 2 का 3 में कर दिए हैं, 2 का किसमें इसमें कर दिए हैं, 3 का यहाँ कर दिए हैं, 3 का यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना 3 2 6, कितना हो जाएगा 3 2 6 आई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 2 6 आई स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा जेड वन इंटू जेड टू बराबर जेड वन इंटू जेड टू बराबर यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस 4 में से यहाँ 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 आई और यहाँ हो जाएगा कितना 6 आई स्क्वायर, कितना हो जाएगा आई स्क्वायर का मान कितना माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 6। तो ये हो जाएगा जेड वन इंटू जेड टू बराबर 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस कितना 5 आई, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ हमारा जो चिन्ह है वो क्या है निगेटिव है और यहाँ चिन्ह क्या है पॉजिटिव, और यहाँ हम लोगों ने जो चिन्ह यहाँ लिया है वो दोनों का चिन्ह क्या है प्लस ही है, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट ना करते हुए इसे क्या करेंगे गुणा के हिसाब से करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। आप गुणा को फॉलो करें गुणा करते हुए, ठीक है। हमने 2 का गुणा किससे करा 3 से, 2 का गुणा फिर किससे 2 से, ठीक है। ये देखिए 2 3 6, फिर 2 का कहाँ माइनस 2 से, ठीक है। फिर 3 का गुणा किससे किया है 3 से, फिर 3 का गुणा किससे 2 से, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये हमारा गुणा करने का प्रोसेस। आगे बढ़े हम लोग, देखिए अगर और भी गुणा देखना चाहें आप तो देख लीजिए। मान लिया हमारे पास जेड जो है वो है 5 प्लस 3 आई, जेड टू हमने मान लिया है 6 प्लस 9 आई। हमें क्या करना है फाइंड करना है जेड वन इंटू जेड टू बराबर क्या होगा। तो जेड वन इंटू जेड टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, जेड वन इंटू जेड टू के लिए क्या करेंगे दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 आई और यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 आई, ठीक है। अब गुणा के प्रोसेस को फॉलो करें, या यहाँ देखिए इस बार दोनों में प्लस है, अगर आप इसे लगाएंगे इस बार तो गलती होने के चांस बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 6 30 हो जाएगा,
यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 आई, 3 6 कितना हो जाएगा, 18 आई, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 9 3 27 आई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 30 प्लस 45 में 18 जोड़ेंगे, 8 5 13 कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 1 6 63, ठीक है 63 आई, माइनस आई स्क्वायर का मान क्या, -27, 27 में से 30 में से 27 निकल जाएगा तो बचेगा 3 प्लस 63 आई, ये रहा क्या आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, किन्हीं भी दो समरी संख्याओं को आपस में आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समरी संख्याओं का भाग। देखिए समरी संख्याओं के भाग में हमें ध्यान रखने की चीजें जो है वो है क्या, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, हमारे पास दो संख्याएं क्या है, Z1 है और कौन सी है, Z2 है। यदि हमें Z1 में Z2 से डिवाइड करना है, Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, तो ध्यान यह रखना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, जो Z2 होना चाहिए, क्या जो Z2 होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमारा भाग क्या हो जाएगा, ठीक है ना, भाग हो जाएगा, भाग करेंगे फिर क्या करेंगे, उसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, जिससे हमारा भाग क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, मान लेते हैं हमारे पास Z1 बराबर, ठीक है, मान लेते हैं हम Z1 बराबर पास क्या है, 6 प्लस 3 आई है, और Z2 बराबर मान लेते हैं हमारे पास है 2 माइनस आई, क्या है 2 माइनस आई। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ Z1 और Z2 में भाग देने के लिए आपसे कहा है जब Z2 क्या हो, हमारा 0 के बराबर ना हो। ध्यान दीजिए, हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखें तो लिख सकते हैं Z1 गुड़े 1/ क्या Z2, ठीक है ना, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम अपना उदाहरण में भाग जब शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Z1/Z2, ठीक है। तो अगली लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, Z1 का मान है 6 प्लस 3 आई इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 माइनस आई, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा 2 माइनस आई। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या, यहाँ देख रहे हैं 2 माइनस आई है, तो 2 माइनस आई है तो यहाँ 2 प्लस आई से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 प्लस आई से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 प्लस 3 आई इंटू मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा 2 प्लस आई का मल्टीप्लाई 1 से, ये हो जाएगा 2 प्लस आई अपान, यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2 माइनस आई और अगले ब्रैकेट में क्या 2 प्लस आई। तो 2 माइनस आई और 2 प्लस आई जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वर्गांतर का फॉर्मूला लगेगा, और वर्गांतर का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4, मतलब 2 का स्क्वायर -i² ठीक है। और आई स्क्वायर का मान हम लोग क्या जानते हैं, आई स्क्वायर का मान हम लोग -1 जानते हैं, इसलिए यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 आई इंटू 2 प्लस आई अपान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगली लाइन में 1/5 को बाहर करते हुए 6 प्लस 3 आई इंटू 2 प्लस आई से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए पूरा भी कर देते हैं इसे, क्या हो जाएगा कितना, 1/5 ब्रैकेट में 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 का i में करेंगे तो कितना हो जाएगा +6i हो जाएगा, प्लस 3 का 2 में करेंगे 3 दूना क्या हो जाएगा 6i हो जाएगा, 3 का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 i² ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 1/5 ब्रैकेट में, ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या है 12 है, ठीक है, प्लस 6 और 6 कितना हो जाएगा 12i, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, तो आई स्क्वायर का मान यदि -1 यहाँ रखेंगे ये जो +3 है वो क्या हो जाएगा -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब -3 को जब 12 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो ये जाएगा 9 प्लस 12i/5, हमारी जो समरी संख्या बनेगी भाग दे करके वो बनेगी 9/5 प्लस 12/5i, ठीक है ना, ये रहा आपका क्या आंसर, जिसमें ये क्या है हमारा रियल पार्ट है और ये कौन सा हमारा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे समरी संख्याओं के भाग को लगाएंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ जिसमें हम समरी संख्याओं से संबंधित क्या सीखेंगे, समरी संख्या का संयुग्मी सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ठीक है। देखिए समरी संख्या की संयुग्मी की बात अगर हम लोग करें तो समरी संख्या मान लेते हैं हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कोई जेड समरी संख्या ए प्लस क्या है आई बी है, हमारे पास कोई समरी संख्या क्या है जेड बराबर ए प्लस आई बी है, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या निकालें इसका मापांक निकालें, हमें यहाँ दो चीजें सीखनी है, एक तो संयुग्मी सीखनी है, दूसरी क्या सीखना है मापांक सीखना है, क्या सीखना है मापांक, ठीक है, ठीक है, मापांक और क्या सीखना है संयुग्मी। तो सबसे पहले देख लीजिए संयुग्मी, संयुग्मी जो होता है वो समरी संख्या का क्या होता है, हमने जेड बराबर ए प्लस आई बी माना है, अगर हम लोग इसका संयुग्मी निकालें तो इसका संयुग्मी हो जाएगा ए माइनस का आई बी, ठीक है, मतलब
ऐसी दो समरी संख्याएं जिनके मापांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे की संयुग्मी कहलाती हैं। ठीक है, वैसे अगर शाब्दिक शब्दों में समझे आप, वैसे समझे तो संयुग्मी का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। आप क्या कर सकते हैं, इसी जेड को वन अपान जेड बोल देंगे तो ये उसका क्या कहलाएगा, जेड का क्या कहलाएगा, संयुग्मी कहलाएगा। तो हमने संयुग्मी के लिए क्या लिख रखा है, संयुग्मी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि जो वन अपान जेड है अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड की पावर क्या, माइनस वन। और जेड की पावर माइनस वन को हम लोग यहां क्या लिखते हैं, जेड बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जेड बार लिखते हैं। तो जेड बार बराबर हो जाएगा ए माइनस आई बी। अब देखिए, ये हमारी तो कोई समरी संख्या है और ये समरी संख्या का क्या है, संयुग्मी है। समरी संख्या की संयुग्मी, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर हमारे पास कोई समरी संख्या जेड बराबर 5 प्लस 3 आई है, आपसे पूछा जाए इसका संयुग्मी लिखिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस कितना, 3 आई। क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 आई। जिसे हमने भाग में परिमेयीकरण कहा था वहां हमें उसका संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करना चाहिए था, गुणा करना चाहिए था। यह बात समरी संख्या में बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, समरी संख्या में जब भी हम रेशनलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहां उसका क्या होता है, संयुग्मी होता है। आपको ध्यान हो वहां था 2 माइनस आई, क्या था, 2 माइनस आई, 1 अपॉन 2 माइनस आई। ठीक है, हमने क्या किया था, इसका संयुग्मी लिया था। अगर आप इसका संयुग्मी लेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस क्या आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा समरी संख्या का क्या, संयुग्मी। तो देखिए, ये हो गया हमारा क्या, समरी संख्या का संयुग्मी। हम लोग क्या करें, अगर इन लोगों का मापांक निकाले, क्या निकाले, मापांक, मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग देखें, अच्छा आई बी का दोनों का सीधे सीधे ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम लोग मॉड ऑफ जेड का, मॉड ऑफ जेड बार का निकालें तो इसका भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस आई बी का क्या हो जाएगा, मॉड, जिसमें क्या आएगा हमारे पास, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर। देखिए, दोनों का ही जो हमारा मापांक है वो क्या है, बराबर है। देखिए, ये क्या है हमारे पास, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी मापांक हमारे पास क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हम देखें तो जो संयुग्मी होती है समरी संख्या की, उन दोनों की संयुग्मी जो होती है, उन दोनों का मापांक आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए, मापांक के लिए एक बात और भी सत्य है, कौन सी, जैसे देखिए हमने यहां जेड के लिए क्या लिखा है, जेड बराबर ए प्लस आई भी लिखा है और हमने कहा कि इसका संयुग्मी क्या होता है, वन अपान जेड होता है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स लिख सकते हैं। तो जेड इनवर्स को एक दूसरी भाषा में भी अगर हम लोग लिखना चाहें, इसे लिख सकते हैं जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस वाली लाइन को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपको बेहद जरूरी लाइन है जो आपको आने वाली सवालों में क्या करेगी, काम करेगी। और हम इसे आइडेंटिटी के तहत पढ़ेंगे भी कि जेड इनवर्स बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड बार अपान क्या, मॉड ऑफ जेड का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं समरी संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज। ठीक है ना, देखिए हम लोगों ने समरी संख्याओं से जोड़ घटाना गुणा और भाग के साथ साथ संयुग्मी और मापांक भी पढ़ लिया। जैसे उदाहरण देख लेते हैं मापांक का, ये हमारे पास जेड है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, समरी संख्या, और ये हमारा जेड बार है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, समरी संख्या का संयुग्मी कह रहे हैं। आइए हम लोग इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, मॉड भी निकाल लेते हैं। तो मॉड हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड बराबर रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर 5 × 25 प्लस 3 × 9, रूट ओवर हो जाएगा 34। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग मॉड निकालें, किसका, मॉड ऑफ जेड बार का निकालें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर कितना, 5 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड बराबर हो जाएगा 25 प्लस 9, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड बराबर रूट ओवर 34। ठीक है, दोनों का ही क्या है, मापांक आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, देखिए हम समरी संख्या से संबंधित कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, जिसे सर्वसमिका कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सर्वसमिका में बीजगणित हम लोगों ने समरी संख्या का बीजगणित तो हमने पढ़ ही लिया है। जब समरी संख्या का बीजगणित हमने पढ़ा है तो समरी संख्या में कुछ बातें जो होती हैं वो सत्य होती हैं, वो ऐसी हैं कि यदि जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर हो तो वो क्या हो जाएगा, पहली आइडेंटिटी। क्या, पहली आइडेंटिटी। ठीक है,
क्या हो जाएगा, जेड वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू जेड वन और क्या हो जाएगा, जेड टू हो जाएगा। आप लोगों को कुछ लग रहा होगा कि आपने ऐसी ऐसा कहीं पढ़ा है, जरूर बीज गणित में आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसी प्रकार से यहाँ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर यदि है वो क्या हो जाएगा, जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस क्या, टू जेड वन जेड टू। ठीक है, आगे देखिए दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो आपको ख्याल आ गया होगा कि अब सर जेड टू जेड वन माइनस जेड टू का भी होल स्क्वायर लिखने वाले हैं। जरूर हम जेड टू जेड वन माइनस जेड टू का भी होल स्क्वायर लिख रहे हैं, जिसमें हम लोग लिखेंगे जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस टू प्लस नहीं यहां क्या रहेगा माइनस टू जेड वन जेड टू। ठीक है, देखिए अगली प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए समीकरण संख्या का जो अगला गुण है और अगली आइडेंटिटी है उसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जेड वन प्लस जेड टू का होल क्यूब। ठीक है, आप इसे क्या कर ले, पूरा कर लेंगे। आगे की बात करें तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग जेड वन माइनस जेड टू का होल क्यूब। ठीक है, अगली आइडेंटिटी लिखें ये वन ब्रैकेट में जेड वन प्लस जेड टू, अगले ब्रैकेट में जेड वन माइनस जेड टू। तो आंसर में हमारा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आंसर में मिलेगा जेड वन का स्क्वायर और कौन, जेड टू का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस आइडेंटिटी के बारे में भी क्या करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, जो मापांक हमने पढ़ा है समरी संख्या का उससे संबंधित कुछ निष्कर्ष है हमारे पास जिस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए मान लेते हैं हमारा जो पहला निष्कर्ष है वह है मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बराबर यदि है। ठीक है, दो लोग अगर किसी रूम में रह रहे हैं तो इन दोनों को रहने के लिए अगर अलग अलग रूम है तो भी क्या हो गई, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बराबर अलग अलग मॉड ऑफ जेड वन और मॉड ऑफ जेड टू। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम लोग क्या करें, यदि हम लोग देखें भाग में देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि जेड वन अपान जेड टू अगर मॉड में है, जेड वन अपान जेड टू क्या है, मॉड में है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, अलग अलग मॉड के रूप में लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड वन अपान मॉड ऑफ क्या, जेड टू, जहां जेड टू जो है वह जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग क्या कि अगर हम लोग देखें तीसरी प्रॉपर्टी में कि यदि जेड वन इंटू जेड टू दोनों पर बार हो, दोनों क्या हो, संयुग्मी हो, दोनों का होल संयुग्मी हो, तो ये हो सकता है जेड वन का संयुग्मी इंटू किसका, जेड टू का संयुग्मी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम लोग देखें प्रॉपर्टी नंबर चार में क्या जेड वन प्लस माइनस जेड टू पर बार है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड वन पर बार प्लस माइनस जेड टू पर बार, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग के पास जेड वन अपान जेड टू की होल बार हो तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जेड वन पर बार अपान क्या लिख सकते हैं, जेड टू पर बार। इस प्रकार से भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये है हमारी क्या, हमारी कुछ क्या है, सभी संख्याओं के मापांक से संबंधित कुछ निष्कर्ष हैं। ठीक है, जिन्हें आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे।